आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद घाटी में धारा 144 लागू है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए छूट दी गई थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने स्वतंत्रता दिवस पर जमकर डांस किया। वहीं लद्दाख बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग लेह में इस मौके पर तिरंगा हाथ में लेकर जमकर थिरकते नजर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ आजादी का जश्न मनाया। पीएम मोदी ने अपने किए कामों को बताते हुए कहा कि हम समस्याओं को टालते नहीं हैं और ना ही समस्याओं को पालते हैं। हमें समस्याएं टालने और पालने का वक्त नहीं है। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह 70 दिन के भीतर हुआ। अनुच्छेद 370 35 को हटाने का काम लोकसभा और राज्यसभा ने 2/3 बहुमत के साथ खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं उनसे देश पूछ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण था तो उसे अस्थाई क्यों बनाकर रखा था, परमानेंट क्यों नहीं किया गया। मोदी ने 3 तलाक पर कहा कि हमारी मुस्लिम बेटियों के सिर पर 3 तलाक की तलवार लटकी हुई थी। वे डरी हुई जिंदगी जीती थी। वे कभी भी 3 तलाक का शिकार हो सकती हैं। यह भय उनको जीने नहीं देता था। दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने इस कुप्रथा को हमसे पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी ना किसी कारण से हम मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने से हिचकते थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने रोजाना एक कानून को खत्म किया है ताकि लोगों पर से बोझ कम हो सके। इस सरकार के 10 हफ्तों में 60 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। मोदी ने देश की तरक्की की बात करते हुए बताया कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कई लोगों को मुश्किल लग सकती है। मैं मानता हूं चुनौती बड़ी है, लेकिन सोचेंगे नहीं तो देश कैसे चलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा सपना बड़ा होना चाहिए। आजादी के 70 सालों में देश 2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा, फिर 2014 से 2019 तक हम लोग 2 से 3 ट्रिलियन तक पहुंच गए। देशवासी साथ चले तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मुश्किल नहीं। मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि हमारे यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यह आने वाले पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा कर सकता है। हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वह अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले सोचता है कि मैं उसकी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। आज भी खुद की प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित रखकर अपना भी भला करता है और देश की भलाई में भी बड़ा योगदान देता है। समाज के बाकी वर्गों को जोड़कर हमें जनसंख्या विस्फोट की चिंता करनी होगी। राज्य और केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस काम को करना होगा। लॉन्चिंग पैड उनको लिए अवेलेबल होने चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधनों के लिए पूरी सुविधा हो, हमारी सेना के पास बेहतर सरंजाम हो, वो भी देश में बिना बना हुआ हो, तो मैं मानता हूं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भारत को
एक नई शक्ति देख सकते हैं। शांति और सुरक्षा विकास के अनिवार्य पहलू है। दुनिया आज असुरक्षा से घिरी हुई है। दुनिया के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में मौत का साया मंडरा रहा है। विश्व शांति, विश्व समृद्धि के लिए भारत को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है, और भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंकी घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। हो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे, और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। एक देश, एक संविधान, एक टैक्स, एक ग्रिड, एक इलेक्शन। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 के संबंध में कहा कि आज पूरा देश कह सकता है एक देश एक संविधान। GST के माध्यम से वन नेशन वन टैक्स के सपने को पूरा किया। पिछले दिनों वन नेशन वन ग्रिड को सफलतापूर्वक किया। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था की। आज देश में व्यापक रूप से चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन। जल जीवन मिशन की घोषणा। आजादी के 70 साल हो गए। हर किसी दल ने देश के विकास में योगदान किया, लेकिन आज भी देश में आधे घर ऐसे हैं जहां पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलना है। आज मैं घोषणा करता हूं कि सरकार आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन शुरू करेगी। इसके लिए सरकार करीब 3 लाख करोड़ खर्च करेगी। केंद्र और राज्य सरकार इसके मिशन के लिए साथ मिलकर काम करेगी। मोदी ने कहा कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ। गुजरात में एक तीर्थ स्थल है महुड़ी। यहाँ एक जैन संत 100 साल पहले लिख कर गए हैं कि पानी किराने के दुकान में बिकेगा। पीएम मोदी ने बताया कि देश में एक नया चीफ ऑफ डिफेंस का पद होगा। लंबे समय से देश में इसकी मांग थी। यह थल, जल और वायु सेना तीनों बलों के बीच बेहतरीन सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के समन्वय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेना के तीनों अंग साथ मिलकर काम करते हैं और रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। इसकी तरफ हमारा ध्यान है। 100 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाएंगे। इसमें सागरमाला भारतमाला रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण शामिल है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। क्या महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? दुकानदार दुकान के बाहर लिख दें कि हमसे प्लास्टिक की थैली की मांग ना करें, कपड़े का थैला लेकर आएं, वरना वे खुद ही कपड़े का थैला बेचना शुरू कर दें। मैं सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा कि दुकान पर एक बोर्ड यह भी लगाएं कि कृपया हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा ना करें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिमझिम फुहारों के बीच कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। राज्य के नागरिकों को ही सरकार की शक्ति बताते हुए कहा कि सरकार और लोगों के बीच की दूरियां कम की जा रही हैं। आम नागरिकों के प्रति अपने संदेश में कहा कि यही नागरिक शक्ति राज्य को गरीबों, बेरोजगारी से मुक्ति और विकसित और ऊर्जावान प्रदेश बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों के डिफॉल्टर ऋण माफ हो गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखा था। छानबीन पूरी होने पर उनका भी ऋण माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रवि 2018-19 में उत्पादित गेहूं विक्रय पर 160 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा करवाई जाएगी। प्रदेश के 70% जनता आज भी कृषि पर ही निर्भर है।
इस कारण कृषि हमारी प्राथमिकताओं में से सबसे ऊपर है। हमारी सरकार ने सबसे पहले जनता से चुनावपूर्व किए गए वादे अनुसार किसानों की ऋण माफी पर कार्य किया और जय किसान फसल ऋण माफी योजना लेकर आए। योजना के प्रथम चरण में हमने 3,10,000 किसानों के 50,000 रुपए तक के चालू ऋण और रुपए 2,00,000 तक के डिफॉल्ट ऋण को माफ करने का कार्य किया। सभी प्रदेशवासियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को आधी दरों पर और गरीबों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। किसानों के लिए बनाई गई इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हॉर्स पावर तक के स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रतिवर्ष के फ्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18,00,000 किसानों को मिल रहा है। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार की योजना हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की है। हम कानून बनाने जा रहे हैं कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को 70% रोजगार प्रदेश के लोगों को ही देना पड़ेगा। आदिवासी भाइयों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सरकार औषधीय खेती योजना लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल और इंदौर की लगातार बढ़ती आबादी मूलभूत सुविधाओं को प्रभावित कर रही है, इससे बचने के लिए उपनगरों की स्थापना जरूरी है। इसीलिए भोपाल और इंदौर के साथ ही ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जा रहा है। कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर कांग्रेस जनों के नाम संदेश का वाचन किया। नाथ ने भारत की आजादी के 73वें वर्ष पर प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद सेनानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया, शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 2014 के दिसंबर में अटल जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। मार्च 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अटल जी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। पिछले हफ्ते कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अटल जी को याद किया था। उन्होंने कहा था कि जो सपना सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ करोड़ों देशभक्तों का था, वह पूरा हो गया है। अटल सभी की स्मृति में अटल है। सदैव अटल स्मारक पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य और पोती निहारिका ने भी स्मृति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 15 साल बाद मिली सत्ता को कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस नेता अब आईजी से बदसलूकी करते नजर आए। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर भीड़ को रोक रहे बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा से कांग्रेस नेता दीपक कर्मा ने बदसलूकी कर दी। बस्तर में बौखलाए नक्सली किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित खुद दीपक कर्मा का परिवार नक्सलवादियों की हिट लिस्ट में है। यहाँ पुलिस को कांग्रेसियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसी स्थिति में एक आईजी रैंक के अफसर के साथ सड़क छाप टपोरियों की तरह व्यवहार किया गया। पुलिस विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैज पहनाने को सलाह दी थी ताकि कोई संदिग्ध मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए। एनएसयूआई के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता बिना बैज लगाए अचानक मुख्यमंत्री के करीब जाने लगे, जिसे पुलिस कर्मचारियों ने रोक दिया। ऐसा होते देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक कर्मा आग बबूला हो गए और आईजी पद की मर्यादा को धात बतलाते हुए उनसे बदसलूकी कर बैठे। ये सभी लोग सुरक्षा पाने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे। सब लोग जाएंगे मैच में। ज़्यादा करोड़ लोगों के
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की खराब हालत से सभी चिंतित हैं और उन्हें देखने अस्पताल जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और मुख्य सचिव एस आर मोहंती भी भोपाल स्थित नर्मदा ट्रामा सेंटर पहुंचे। पिछले दिनों नर्मदा ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के स्वास्थ्य के विषय में उनके परिवार से चर्चा की व हालचाल जाना। नर्मदा ट्रामा सेंटर की क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट व डायरेक्टर डॉक्टर रेणु शर्मा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को विस्तार से गौर की तबियत व उनसे जुड़ी सभी छोटी बड़ी चीजों की जानकारी दी। भोपाल के गांधीनगर स्थित सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार पर जेल में बंद कैदियों की बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। इस दौरान जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई थी। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी। इस दौरान कैदियों के परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई तो भावुक भी नजर आए। कैदी भी अपनी बहनों से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे थे। बहनों ने राखी बांधकर भाइयों से वचन लिया कि वे जेल से छूटने के बाद सत्य के कदम पर चलेंगे। इससे पहले सेंट्रल जेल में सुबह से ही कैदियों के परिवार वाले पहुंच चुके थे और लंबी लाइन लगाकर बहनें भाइयों से मिलने का इंतजार करती रहीं। जेल प्रशासन ने आईडी प्रूफ दिखाकर भाइयों से मिलने दिया। छतरपुर के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। बस और टैक्सी की इस भिड़ंत में टैक्सी सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सूरजपुरा दरगुवा रोड पर उस समय हुआ जब कटनी से पन्ना जा रही यात्री बस ने टैक्सी को टक्कर मारी। घटना के बाद से ही बस का स्टाफ बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मिश्रा बस है जो कटनी से टीकमगढ़ के लिए जा रही थी। ये दरगुआ के पास बाजना रोड पर इधर से सामने से ऑटो जा रहा था, उसमें सवारियां बैठी हुई थी और उधर से बस वाला आ रहा था। मोड़ पर जैसे ही आए आपस में दोनों टकरा गए तो इसमें बैठे दो लोगों की एक की तो वहां मौके पर मृत्यु हो गई थी राजेंद्र लोधी की और एक को अस्पताल भेजा गया था, गंभीर रूप से घायल हुआ था जो अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। तीन लोग और घायल है जिसमें एक लड़की अनीता है उसको छतरपुर रेफर कर दिया है। देश में अलगाववादी शक्तियां हर उस जगह सक्रिय हो जाती हैं जहां उन्हें सीधे और भोले भाले ग्रामीण आदिवासी नजर आते हैं। अलगाववाद के इस जहर से आदिवासी बहुल बस्तर भी अछूता नहीं है। यहां भी आदिवासियों का गैर आदिवासियों से अलगाव कराने की कोशिश की जाने लगी है। नक्सलवादी और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित कुछ लोग अलगाववाद फैलाने की राष्ट्रीय विरोधी नीतियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब इन तत्वों ने निशाने पर भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार आ गए हैं जिनके माध्यम से वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आदिवासियों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। राखी बांध राखी बांध राखी बांध राखी बांध कर तो दादा दीदी मान हम तो राखी त्योहार नु आए भारी लोग तो त्योहार आए ये त्योहार ने पूरा हम नुकसान हो से हम पैसा खर्चा हो से भारी लोग के फायदा हो से उन्हीं का जे राखी त्योहार के बंद करते रहा है दीपावली बंद करते रहा है गणेश बसातर नुआ दुर्गा बसातर नुआ ये कई मनुवादी मंच त्योहार के मानतर नुआ है। कांकेर में ग्रामीणों के नदी में फंसने की खबर सामने आई है। दरअसल प्रतापपुर थाना इलाके की मेंढकी नदी में 7 ग्रामीण मछली पकड़ने गए हुए थे। सभी ग्रामीण पंखाजूर इलाके के चंदनपुर गांव के हैं। इसी दौरान मेंढकी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं मछली पकड़ने गए ग्रामीण उफनती नदी में फंसे और अपनी बचाव करते हुए नदी में ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। बाढ़ में फंसे 7 ग्रामीणों में से एक ग्रामीण जैसे तैसे खुद को बचाकर तैरते हुए नदी से बाहर आया और सबसे पहले उसने प्रतापपुर थाने परिवार लोगों को बताया। मामले की जानकारी होते ही पंखाजूर का स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम कांकेर से आई हुई है। नाव भी है हमारे पास। बारिश कुछ देर से थमी हुई है, पानी का स्तर भी घट रहा है। लोग अभी तक सुरक्षित हैं। हम पानी को थोड़ा और घटने का वेट कर रहे हैं और जगदलपुर से एक और टीम आ रही है बोट के साथ, हम उसका वेट कर रहे हैं। उसके पहले अगर हम कोई अन्य उपाय निकाल पाते हैं तो इनको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। छतरपुर के पुत्री गांव में धसान नदी में बाढ़ आने से 1.5 दर्जन किसान बाढ़ में फंस गए। किसानों के धसान नदी में फंसने की सूचना प्रशासन को लगी तो एसडीएम और एसडीओपी सहित होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। किसानों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक भी वहां पहुंच गए। यह किसान अपने खेत को देखने धसान के पार गए थे तभी आज सुबह बांध सुजारा बांध के गेट खोल दिए गए।
तो धसान नदी में बाढ़ आ गई और यह सभी डेढ़ दर्जन किसान एक टापू पर फंस गए। होमगार्ड के जवानों ने बोट की मदद से रेस्क्यू कर इन सभी किसानों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। त्रिखेरा गांव के कुछ किसान एक टापू पर फंस गए। धसान नदी की बाढ़ बहुत तेज है और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और एक रात भर वो वहां भूखे प्यासे वहां पर हैं, ऐसी मुझे सुबह जानकारी लगी और मैंने तत्काल कलेक्टर को फ़ोन किया। मौके पर रेस्क्यू टीम पूरी पहुंची, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, तमाम पुलिस के लोग, तो पूरा शासन प्रशासन वहां पहुंचा और रेस्क्यू किया। छतरपुर के नौगांव में युवक के अंधे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड में चार आरोपियों का होना बताया जा रहा है। पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर लिया है, दो अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के खमा में रहने वाला वीरेंद्र राजपूत का शव घर के कमरे में खून से लथपथ पड़ा मिला था। जब पुलिस ने मामले की हकीकत जानना शुरू की तो पता चला कि मृतक यूपी के दो हत्याकांड का आरोपी था। बताया जा रहा है कि मृतक की गांव में ही ब्रजेश दुबे से रंजिश चल रही थी। उसको शक था कि टीकमगढ़ जिले में दो बार उसके ऊपर हमला हुआ था, जिसकी मुखबिरी मृतक वीरेंद्र ने की थी। इसी खुन्नस को लेकर गांव के एक युवक की 5 लाख की सुपारी लेकर बाद में हत्या की योजना बनाकर भूपेंद्र और फहीम ने वीरेंद्र के घर जाकर उसे जमकर शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया तब इन दोनों ने सिलबट्टे से उसकी हत्या कर दी। सब्जी छीलने वाले छिलनी से भी वीरेंद्र का गला काटा और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और योजना में शामिल दो अन्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अड़तीस वर्षीय व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा था और मूलतः ये खमा ग्राम महोबा जिले का रहने वाला था। 7 तारीख को इनके मृत होने की जानकारी मिली थी, जिस पर से धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। वीरेंद्र की हत्या सिर में पत्थर पटक करके गले में धारदार हथियार से चोट पहुँचा कर की गई थी और उसकी मोटरसाइकिल भी लूट कर ले जाई गई थी। थाना प्रभारी नगांव और एसडीओपी ने इसमें बहुत ही लगन मेहनत से काम किया, इनकी टीम ने काम किया और बहुत जल्दी ही हत्या के अपराधियों को, इन्होंने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे से हरदा जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में पानी होने की वजह से 100 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालात ये हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं, परंतु प्रशासन द्वारा नदी की कोई पुलिया पर रेलिंग नहीं लगाई गई है और न ही हादसा होने पर किसी भी तरह के बचाव की कोई भी व्यवस्था की गई है। दिवस की संध्या पर भोपाल के नादरा बस स्टैंड पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की गई इस महाआरती में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और भारत माता के जयकारे लगाए। युवा मोर्चा के शाश्वत भारत सक्सेना ने बताया कि यह राष्ट्रभक्ति का महायज्ञ है। यहां सभी नौजवान आहुति दर्ज कर सिंह की दहाड़ में मां भारती को पुकारते हैं और दुनिया को बताते हैं कि युवा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटेगा। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नादरा बस स्टैंड चौराहे पर भारत माता की महाआरती का नित्य आयोजन होता आ रहा है। ये राष्ट्रभक्ति का एक महायज्ञ है, जहाँ सभी नौजवान अपनी उपस्थिति की आहुति दर्ज कर सिंह की दहाड़ में माँ भारती को पुकारते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हिंदुस्तान का युवा किसी भी क्षण किसी भी स्थिति में अपने देश के लिए हर स्थिति में अपने प्राणों को आहुत करने से पीछे नहीं हटेगा और हम सभी को पूरे देशवासियों को नादरा बस स्टैंड के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की भारतीय शुभकामनाएं देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सुकमा के मिनी स्टेडियम में छोटी बच्ची का डांस देख सभी ने उसके हौसले को सलाम किया। दरअसल एक पैर ना होने के बावजूद भी बच्ची अपने एक ही पैर से डांस करती देशभक्ति गीतों पर नजर आई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। डांस के सभी स्टेप बच्ची ने बिना कोई परेशानी के किए। एक पैर ना होने के बावजूद उसे डांस करता देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची सुकमा की आकार संस्था से जुड़ी है, जो दिव्यांग बच्चों में हौसला जगाकर आम लोगों की तरह जीना सिखाती है। मन धा धा के बोले तो नहीं